बहुत शुक्रिया आपका फरीद भाई कि आपने मुझे अपने शो पर बुलाया। जी थैंक यू जमाल। ये बताइए कि पुलवामा एक मकबूजा कश्मीर में जगह है जहां पे भारत की फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ और उन्होंने एक वावेला मचाया कि ये बगैर किसी सबूत के बगैर किसी एविडेंस के ये जो है इसमें पाकिस्तान मुलविस है। आप खुद एक उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जिन्होंने हमेशा भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने की कोशिश की, तो कैसे देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? देखिए जी फरीद भाई, पहले तो जो अटैक करने वाला था वो एक कश्मीरी नौजवान बिलाल डार था। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत को पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि भारत ने कश्मीरियों के साथ क्या किया है। क्या वजह है कि कश्मीर जो हमारे लिखे पढ़े हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, क्या वजह है कि वो ये हद तक पहुंच गए कि वो खुदकुश करने लगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत को ये चाहिए कि वो अपने अंदरूनी मामलात जो है वो क्या कर रहे हैं कश्मीर के साथ वो देखें, बजाय कि हम पर इल्जाम लगाएं। और ये मैं समझता हूँ कि एक रिएक्शन है कश्मीरियों की तरफ से। आपको खुद पता है, सब दुनिया को पता है कि भारत की फौज हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो इसका हल यही है कि बेहतर होगा कि भारत और फौज भारत जो है वो ये अपना जुल्म और सितम हमारे कश्मीरी भाइयों पर बंद करे। जी जमाल, ये बताइए कि आप खुद चूंकि आजकल बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो एक भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है पूरी दुनिया जो है उसको देख रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको इस तरह शायद कवरेज नहीं दे रही जिसमें शायद उनके अपने अजायम है। तो आप चूंकि खुद भी बाहर हैं, तो क्या आपकी कोशिश रहती है कि आपके साथ जो दोस्त हैं, जो भाई हैं आपके वहां पे आसपास रहने वाले, उनको आप बताते हैं कश्मीर के बारे में, और वहां पे जो आपका मीडिया है उसको उसकी क्या पोजिशन है? देखिए जी, जहाँ तक आपका इंटरनेशनल मीडिया का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया इस मौजू पर वो अफाल है, फेल हो गए हैं। क्योंकि मैं जहाँ भी मैं बैठता हूँ, आप मेरे इंटरव्यूज देख लें, आप मेरे सोशल मीडिया देख लें, मैं अपने कश्मीरी भाइयों का वो बात करता हूँ और उनके हक में बात करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेशनल मीडिया पर प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर इशू है ये सिर्फ दो मुल्क के दरमियान का इशू नहीं बन गया। अभी जो भारत जुल्म कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अभी एक ह्यूमन राइट इशू बन गया है। तो वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेशनल मीडिया पर प्रेशर पड़ेगा। और ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है, जैसे कि इनमें बीते दिन जान आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया अभी इसे इस प्रेशर की वजह से उसे जरूर कवरेज करेगा। जी जमाल, ये बताइए कि एक तरफ तो जो है वो इंडिया बात करता है कि अमन की आशा, अमन की आशा, और दूसरी तरफ जो है बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को भेज दिया जाता है। तो क्या इन एक तो ये है दोगले, इनके ये इनकी नेचर रही है कि ये दोगली पॉलिसी है इनकी। बलूचिस्तान, आप चूंकि खुद भी बलूचिस्तान से और आपके खानदान की एक तारीख है, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो बलूचिस्तान में जो स्टेट टेररिज्म है जो भारत कर रहा है उसको कैसे देख रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो फरीद भाई, सब दुनिया को पता है कि बलूचिस्तान में भारत क्या कुछ नहीं कर रहा है। और ये जो आप यादव पकड़ा गया है रंगे हाथों, सब दुनिया को पता है कि इसने क्या नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि मेरे वालिद पर जो अटेम्प्ट हुआ ये भी तो इसी यादव के नेटवर्क से हुआ। मेरे भाई पर जो जी कातिलाना हमला मीर हुआ, अकमल जिसमें वो पे शहीद हो गए, तो ये भी उन नेटवर्क में था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया बलूचिस्तान में मुलविस है। और क्योंकि मेरा वालिद का ये मिशन था कि हम इंडिया जो आपके खुफिया एजेंट्स हैं हम उन्हें खत्म करें बलूचिस्तान से। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे बलूचिस्तान के गयूर आवाम खड़े हैं अपने पाक फौज के साथ। और इंडिया का ये दोगलापन इंशाल्लाह हम रोकेंगे और इनका रियल फेस जो होता है ना, उनको हम पूरा दुनिया को दिखाएंगे कि इंडिया हमारे बलूचिस्तान के गरीब लोगों के साथ, हमारे माओ बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ क्या नहीं कर रहा है। हमारे बलूचिस्तान में ये जो खून बह रहा है ये किसकी वजह से बह रहा है। इसके पीछे कौन है? एक आप ब्रेक सही कह रहे हैं, लेकिन फरीद भाई मैं आपसे अर्ज करूं कि
जो कुर्बानी मेरे वालिद ने दिए हैं और मेरे खानदान में ने दिए हैं, और दूसरे जो हमारे पाक अफवाज कुर्बानियां हैं और दूसरे जो शहीद हुए हैं, उनका लहू हम हमें इस माइंडसेट को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि अगर यही तो बात है, मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया बलूचिस्तान आए तो उन्हें पता चलेगा कि ये माइंडसेट अभी बदल चुका है। क्योंकि पहले वो दिन नहीं है जो हम सिर्फ अपने अफवाज पाकिस्तान को देखते थे, लेकिन अब बच्चा बच्चा हर अजमत से ये अजमत से जीता है कि मैं फौज में जाऊंगा, और जो कि सिविलियंस हैं वो भी तैयार हैं अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का। तो अगर ये माइंडसेट, अगर इंडिया समझता है कि सिर्फ ये माइंडसेट चल रहा है तो वो उनका खाम ख्याली है। अगर दूसरे जो आपके सो कॉल्ड बलोच लीडर्स हैं ये समझते हैं कि हमारे बलूचिस्तान में मुहिबुल वतन लोग नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो इस ख्वाब खरगोश से उठकर बलूचिस्तान में आकर बलूचिस्तान में बैठकर ये अपना माइंडसेट देख लें कि हमारे बलूचिस्तान में मुहिबुल वतन लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त जमाल, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बताइए कि मैं जितनी बार ये बात दोहराऊं, शायद मेरे लिए ये लम्हा फख्रिया है कि आप मेरे सामने मौजूद है। मैंने कहा कि आपके खानदान की बेपनाह कुर्बानियां हैं, आपके भाई, बड़े भाई मीर अकमल रेसानी और आपके वालिद शहीद हुए, आपने इस मुल्क की तरक्की में अपना खून दिया है। जमाल मुझे बताइए कि आपके वालिद का मिशन हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद रहा है। मुझे याद है, मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ, तो मैं चूंकि खुद भी बलूचिस्तान से, तो हमेशा हमने सुना है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे हैं, और आखिरी दम तक जो है उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान है तो हम है। मुझे बताइए कि आप आजकल पढ़ भी रहे हैं, तो आप उनके मिशन को किस तरह आगे लेके जा रहे हैं, आपके फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, और आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं रहूँ या ना रहूँ पाकिस्तान में, उनका मिशन जारी रहेगा। क्योंकि हर इंशाल्लाह बच्चा बच्चा सोचता है कि मैं सिराज रेशानी हूँ। और दूसरी बात यह है कि उनका जो मिशन था अपने पाकिस्तान के दिफा का, वो कहते थे पाकिस्तान के लिए जियो, पाकिस्तान के लिए मरो, अपने मुल्क पर मत मिट जाओ। तो ये उनका मिशन अभी भी जारी है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि मैं एक इजाफा करना चाहता हूँ इस उनके मिशन में, जो है अपने लोगों का दिफा करना, और हिंदुस्तान के जो एजेंट्स हैं, रॉ के जो एजेंट्स हैं, और जो कि किराए के, मैं उन्हें किराए का गुंडा कहता हूँ, बिल्कुल तो मैं दुरुस्त, समझता हूँ कि उनको भगाना अपने बलूचिस्तान से और अपने बलूचिस्तान में अमन लाना, मैं ये मिशन आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जी ऐसा करता हूँ। और ये मैं ऐलान करता हूँ कि बलूचिस्तान से 5 लाख नौजवान मुसल्ह आपकी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह, बहुत बड़ी बात की है आपने जमाल। जमाल वक्त कम है, एक आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन आप आज मेरे प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए, इंशाल्लाह मजीद भी आते रहेंगे। एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, एक जमाने में मेरी आपसे बात हुई थी, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी भी आप जो हैं वो ट्रेनिंग से आ रहे हैं। आपने मुझे एक जमाने में कहा था कि मैं पाकिस्तान में जो है वो फुटबॉल के लिए काम करना चाहता हूँ, तो कब पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे इंशाल्लाह मैं जमाल रेसानी को देखूंगा? बिल्कुल, ये मेरा ख्वाब है। मैंने अपने चंद दिनों पहले मैंने अपने ट्विटर पर ये पैगाम दिया था कि मैं एक टूर्नामेंट करूंगा जिसमें आप मुझे एक बहैसियत खिलाड़ी देखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ। मैंने पाकिस्तान फेडरेशन से भी बात की है, हमारे बलूचिस्तान के जाम कमाल से भी बात की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी नीड ग्राउंड्स एंड फैसिलिटीज। वी हैव सो मच टैलेंट बट वी नीड ग्राउंड्स एंड फैसिलिटीज। अगर हमारे फैसिलिटीज बराबर होंगे तो हमें हमारे टैलेंट को चांस मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान एक